हेलो फ्रेंड, हाजिर हो गए नई वीडियो के संग। आज का जो वीडियो है प्राइवेट डीएनएस के बारे में। दोस्तों, एंड्रॉइड स्मार्टफोन में सेटिंग में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है प्राइवेट डीएनएस, हालांकि ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है। अब ये इसको हम और आप इस्तेमाल नहीं करते हैं ज्यादातर। दोस्तों, हम और आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, हालांकि एंड्रॉइड स्मार्टफोन में इसकी बहुत ही तगड़ा दोस्तों फीचर्स हैं, बहुत ही काम, इसका बहुत ही जबरदस्त काम है। और एंड्रॉइड स्मार्टफोन में दोस्तों हमें इसको ऑन कर लेना ही चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्राइवेट डीएनएस क्या है, इसका मेनली काम क्या है और इसको यूज कैसे करें। मैं आपको प्रैक्टिकली मोबाइल की स्क्रीन में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हेलो फ्रेंड, मैं हूं साहिब, आप देख रहे हैं टेक्नो हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल। नो बकवास, ओनली मुद्दे की बात। देखिए दोस्तों, एंड्रॉइड स्मार्टफोन में सेटिंग ऑप्शन में देखिए दोस्तों, यहाँ पर आधा से नेटवर्क एंड कनेक्शन सेटिंग मिलेगा। इसमें अगर आप टैप कीजिएगा उसका, देखिए दोस्तों यहाँ पर प्राइवेट डीएनएस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब इसको ऑन कैसे करें, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है। इसको ऑन करने के लिए देखिए दोस्तों हमें इसमें टैप करना होगा। उसका देखिए दोस्तों हमें यहाँ तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्लोज, ऑटो, प्राइवेट, प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर। हमें देखिए दोस्तों सबसे पहला प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर में हमें क्लिक करना होगा। उसका देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रोवाइडर हॉट्स नेम हमें देना होगा, मेनली हमें प्रोवाइडर हॉट्स नेम देना होगा। उसके बाद हमें इसमें क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें यहाँ टैप करना होगा, देखिए दोस्तों कैपिटल में टैप करना होगा, dns.google है। उसके बाद देखिए दोस्तों स्मॉल लेटर में GOOGLE गूगल, यही हमें देखिए दोस्तों यही हमें सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद ओके कर देना है, देखिए दोस्तों ये ओके हो गया। इसके बाद हमें मेनली प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर में हमें इसको क्लिक करना है, देखिए दोस्तों। उसके बाद हमें बैक आना है, देखिए दोस्तों ये प्राइवेट डीएनएस ये सिलेक्ट हो गया है। मेनली यही इसी तरीके से दोस्तों हमें ऑन करना है। अब दोस्तों मान लीजिए आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ता है इस प्राइवेट डीएनएस को, तो आप क्लोज कर सकते हो, या तो ऑटो, ऑटो तो आप जानते होंगे ये ऑटोमेटिकली ये काम करता है। मेनली हमें देखिए दोस्तों हमें प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर को सिलेक्ट करना है, और इसके बाद प्राइवेट प्रोवाइडर हॉट नेम में हमें dns.google हमें कर लेना है। दोस्तों प्राइवेट डीएनएस मेनली प्राइवेसी और सिक्योरिटी का काम करता है। दोस्तों हम अपने स्मार्टफोन में कई तरीके के बैंकिंग ऐप इस्तेमाल करते हैं, हम UPI के थ्रू हम लेन देन करते हैं, और हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन से शॉपिंग करते हैं, अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के सारी जानकारी हम एंटर करते हैं। तो कहीं हमारा जो सारी जो बैंकिंग जो ऐप है, सारी जो जानकारी है, कहीं हैकर के पास ना चला जाए, इसलिए दोस्तों हमें प्राइवेट डीएनएस को ऑन कर लेना चाहिए। इससे क्या दोस्तों, इससे क्या होता है दोस्तों, हमारी जो सारी जानकारी होता है ये हमारे सारी जो जानकारी हैक होने से बचता है दोस्तों, हैक होने का चांस बहुत ही कम होता है, इसलिए दोस्तों हमें प्राइवेट डीएनएस को ऑन कर लेना चाहिए। और आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे जो प्राइवेट डीएनएस को अगर आप ऑन करते हो तो आपके नेट की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये मेरी मानना है, मैंने खुद प्रैक्टिकली इसको ट्राई किया है। दोस्तों मेरी तो इंटरनेट स्पीड नहीं बढ़ा है, अगर आपकी बढ़ा है तो आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों मेरी इसमें इंटरनेट स्पीड भी थोड़ी सी भी दोस्तों फर्क नहीं महसूस हुआ है, इसलिए दोस्तों मेनली ये सिक्योरिटी पर्पस में, ये हमारे प्राइवेसी और सिक्योरिटी में मेनली ये काम होता है। इसलिए दोस्तों हमें प्राइवेट डीएनएस को हमेशा ऑन रखना चाहिए, इसलिए हमें दोस्तों हमारा सारी जो जानकारी है ये सेफ एंड सिक्योर रहे। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी तरीके के मोबाइल रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी ऑल को सिलेक्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।